नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की चुनाव की। 25 मई को यहां पर चुनाव होने वाले हैं, छठे चरण में मतदान यहां पर होगा। लेकिन जो पूरा दिल्ली का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में फिर से काबिज हो सकते हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं फिर से क्लीन स्वीप के मूड में दिखाई तो दे रही, लेकिन क्या वो कर पाएगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। और इस बार मायावती दिल्ली में उसने अपने प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, लेकिन मैदान में ना कभी कोई रोड शो करने के लिए पहुंची। जब से उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, तब से बातें यही निकलकर सामने आ रही है कि मायावती कहीं ना कहीं अब अपनी पार्टी में जो दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है, वो आकाश आनंद की वजह से कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और केजरीवाल और फिर भारतीय जनता पार्टी और मायावती मैदान में है, में कौन किसका समीकरण बिगाड़ सकता है और किसके समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ लाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन पूरा सवाल यही बन जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव में कुछ बेहतर कर पाएंगे तो क्या उनको जेल से राहत मिल जाएगी या नहीं। अगर जेल से राहत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी जीत मानी जाएगी और उनकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि संजय सिंह को राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना कहीं ना कहीं बड़ी बात निकलकर सामने आती है। लेकिन वो लगातार जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। वहीं अगर बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो एक हॉट सीट है साउथ दिल्ली की, जिसमें आप देखेंगे मनोज तिवारी लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार मैदान में उतरे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार को जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए, उन्होंने उनका एक बयान भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। वहां पर वो कन्हैया कुमार की सीट पर प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने बोला साफ तौर पर कि रिंकिया के पापा को इस बार वोट नहीं दीजिएगा। ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं तोड़ पकड़ता नजर आया और ये बात कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तमाम तरीकों को इस बात को खींचते हुए नजर आए। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मनोज तिवारी के ऊपर एक छोटा सा कमेंट पास करते हैं जिसके ऊपर पूरा बवाल मच जाता है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है यहां से खड़े हो रहे हैं, यहां पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको पंजे का बटन मिलेगा, दो नंबर का बटन है, दो नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहां पर ये बात कहते हुए नजर आए और जिसके बाद मनोज तिवारी को मिर्ची लगनी तय थी और भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर 4 पर लड़ रही आप पार्टी और फिर 3 सीटों पर लड़ रही इंडिया गठबंधन क्या कुछ कमाल कर सकती है, या मायावती इस बीच में चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो या बीजेपी हो किसका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इस सवाल के जवाब में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट